आज इस वीडियो में बात करने वाले पांच ऐसी टिप्स के बारे में जो आपके जॉब इंटरव्यू को सक्सेसफुल बना सकती है, जिसका बहुत मेजर कारण हो सकता है कि आप उस दिए गए इंटरव्यू में उस कंपनी में सेलेक्ट हो जाओ। तो ये पांच चीजें इंटरव्यू देने से पहले आप सोच के जाना और प्रिपरेशन करके जाना। तो ये पांच चीज बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पे जाके आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, टॉक अबाउट बिजनेस, टॉक अबाउट समथिंग, टॉक अबाउट एक्सेल, टॉक अबाउट आउटलुक, और बहुत सी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप बहुत सारे यूजफुल कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, देख सकते हो, उससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये पांच चीजें हैं क्या, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो नंबर वन पे है हाइजीन होना। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो हाइजीन हो के जाना। हाइजीन का क्या मतलब, आपके मुंह से स्मेल नहीं आ रही हो, उस चीज को आपको देखना चाहिए, ब्रश प्रॉपर करना है, आप कुछ ऐसा खाना है जिसकी आपकी स्मेल इंप्रूव हो, न कि ऐसा खाओ कि उससे गंदी स्मेल आने लगे। तो उस चीज को ध्यान रखना, आपकी ग्रूमिंग अच्छी हो, बाल अच्छे से सेट हो, बिल्कुल ठीक हो, टेढ़े मेढ़े ना हो, इधर उलझे हुए ना हो, फालतू बाल ना हो जो आपके लुक को टेढ़ा मेढ़ा बनाए, या वो बियर्ड में हो या हेयर पे हो। तो उस चीज को ध्यान रखना, तो प्रॉपर अच्छे से ठीक करके जाना। नेल्स आपके नाखून कटे होने चाहिए, अच्छे से वो साफ होने चाहिए, ये चीज देखनी है। क्योंकि देखो, आप में कितनी भी स्किल हो, आप में बहुत कुछ काम आता हो, आप सैलरी भी कम मांग रहे हो औरों से, अपने कंपटीटर को, लेकिन आप जब वहां पे बात करने जा रहे हो, आपके मुंह से स्मेल आ रही हो, आप गंदे संदे बने हो, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट बनता है इंटरव्यू लेने वाले। और आपके मुंह से स्मेल आ रही होगी तो आपकी बातों पे उसका तो पूरा ध्यान रहेगा ही नहीं, बल्कि आपके मुंह की बदबू पे रहेगा। दूसरे पे आता है कॉन्फिडेंट होना, आप पूरे कॉन्फिडेंट रहें। अब कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए पहले प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। आप बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में रहें, लूज ड्रेस ना हो, फिट ड्रेस हो, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर आपने कर रखा हो। कोई महंगी ड्रेस की जरूरत नहीं, सिंपल सी ड्रेस में, अच्छी ड्रेस में जा सकते हो, बस आपको कलर कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, कोई अटपटा चटपटा ना हो, ड्रेस को प्रॉपर आपको ठीक रखना है। ड्रेस महंगी सस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, बस ड्रेस अच्छे से आपने पहन रखी हो, फिट हो, आपकी बॉडी पे अच्छी लग रही हो, कहने का ये मतलब, क्योंकि ड्रेसिंग से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप एक प्रॉपर ड्रेस पहन के रखो, अच्छे से रखो, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता है, थोड़े आप अलर्ट रहते हो, प्लेटफॉर्म में आ जाते हो। वहीं पर ड्रेसिंग तो अच्छी, लेकिन इंटरनली आप बहुत ज्यादा परेशान हो, इंटरव्यू कैसे जाएगा कैसे जाएगा, बार बार आप नेगेटिव बात बोल रहे हो अपने दिमाग में, कहीं ये गलती ना हो जाए, वो गलती ना हो जाए, ये ना पूछ ले, वो ना पूछ ले, कहीं सैलरी में अड़ जाए, ये सारा डर रहता है। लेकिन आपको अपने माइंड को बेवकूफ बनाना पड़ेगा जॉब इंटरव्यू देने से पहले, अपने डर को भगाने के लिए, कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपका इंटरव्यू अच्छा जाने वाला होगा। थोड़ा इंटरनली आपको अंदर से बोलना होगा, अंदर से, बाहर से नहीं, कि आपको कहना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तैयारी रखनी पड़ेगी कि हाँ कोई नहीं, अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या ये नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा ट्राई करूंगा। क्योंकि आप ज्यादा नेगेटिव सोचते तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता, आप बहुत ज्यादा डर जाते, इस चीज का भी ख्याल रखना। तो आपको इंटरनली पॉजिटिव होके जाना पड़ेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि आपको बहुत स्किल आती है लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपनी बात उस अगले बंदे को नहीं समझा सकते, बता सकते कॉन्फिडेंटली, तो आपके चांसेस कम हो सकते। वहीं तीसरे नंबर पे आता है ट्रूथ, अपने इंटरव्यू में सच बोलें, सच्चाई के साथ रहें, तो झूठा मत बोले कि मेरे को ये भी आता, वो भी आता, फलाना भी आता है, या आपने उस कंपनी को क्यों छोड़ा, या एक झूठ को बचाने के लिए 10 झूठ और बोले जा रहे हो। तो झूठ नहीं बोलना है आपको, सच रहना है, आपको सच्चाई ही बोलनी है कि भाई ऐसा ऐसा है। हाँ, थोड़ा बहुत झूठ मूठ चल जाता है, जैसे कि आपकी पिछली कंपनी में थोड़ी 25,000 सैलरी थी, तो आप बता सकते हो मेरी 30 थी, 28 थी, 32 थी, या आप तो आप बता सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप काम को लेके झूठ बोलो। क्योंकि आपका सिलेक्शन हो भी गया और फिर वो आप काम अचीव कर ना पाए, वो कर ना पाए, आप योग्य ना हो पाए। वहीं पे चौथा पॉइंट है टॉक अबाउट कंपनी बेनिफिट। कंपनी बेनिफिट के बारे में पहले से सोच के जाएं, किस तरह की कंपनी, उसके बारे में पढ़ के जाएं कि मेटल की कंपनी है, प्रोडक्ट क्या बनाती है, ये किस तरह का बिजनेस करती है, तो उसके बारे में, कंपनी के बारे में जब आप पढ़ के जाओगे, प्रिपरेशन करके जाओगे, तो उसका प्रॉफिट सोचने की आप में एबिलिटी आ जाएगी, थोड़ी बहुत तो आ जाएगी, जितनी आप थोड़ी चीजें आप प्लस पॉइंट बता ही सकते। इंटरव्यू लेने वाले बंदे से आप बोल सकते हो कि अगर आपने मेरे को हायर करा तो मैं ये चीजें कर सकता हूँ और हम इस तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप आइडिया दे सकते हो, अपना कोई कॉन्सेप्ट दे सकते हो, कोई नई चीज दे सकते हो जो पिछली आपकी कंपनी में यूज हो रही हो, या पिछली कंपनी में उस तरीके का मैनेजमेंट हो, सिस्टम हो, और इस कंपनी में ना हो, तो वो प्लस पॉइंट आपके लिए बन जाएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस ना हो इस चीज को लेके, कॉन्फिडेंट रहे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे, ये ध्यान रखें कि अगर कोई चीज, वो अगर स्किल के बारे में कुछ चीज आपसे पूछ रहा है, तो आप सीधा बोल दे कि ये चीज मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ या सीख सकता हूँ, या थोड़े दिन में इस चीज को सीख के मैं कर सकता हूँ। ये मत बोले हाँ मैं कर लूंगा, या उसने कुछ चीज पूछी हो, आपने गलत बता दिया हो, फिर उसने दूसरी पूछी, आपने गलत बता दिया, और वो ओवर होता रहे। आप क्लियरली बोल दो मुझे नहीं आता ये चीज, मेरे को इसके बारे में नहीं पता है। वहीं पे पांचवी और आखिरी बात क्या है, वो है आपका रिज्यूमे, सीवी। सीवी को क्लियर रखे, साफ रखे,
कम वर्डों में ज्यादा डिस्क्राइब करें। मैंने बहुत पहले, एक साल पहले ये वीडियो बनाई थी सीवी के बारे में, जाके आप देख सकते हो। और नई वीडियो चाहिए सीवी के बारे में क्योंकि ये पुरानी है थोड़ी, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सीवी अच्छा रखे, कम शब्दों में ज्यादा डिस्क्राइब करे, भीड़ मत करे, वसड़ मत करे, ट्रुथ रखे सीवी के अंदर भी, सच रखे, ओवर मत लिखे, मुझे ये भी आता, मुझे ये भी आता, मुझे ये भी आता, मुझे ये भी आता, ये सब मत लिखे। ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे इंटरव्यू देने से पहले। तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपने बेरोजगार दोस्त को ये वीडियो जरूर दिखाना क्योंकि वो इंटरव्यू कहीं ना कहीं देने जा रहा होगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।